भीम के साथ आज आपका दाम्पत्य वर्ष समाप्त हुआ एवं कल से अर्जुन के साथ आपका दाम्पत्य वर्ष आरंभ हो रहा है। अभी अभी संदेश आया है कि दो दिन पश्चात अर्जुन द्वारका से वापस आ रहे हैं। तुम दोनों खड़ी खड़ी हमें क्या निहार रही हो? जाओ जाओ वाटिका से अर्जुन के पसंद के फूल ले आओ एवं एवं रसोईये को बुलाओ। जाओ भवन की सजावट क्यों? एक तो हमें यही ज्ञात नहीं है कि ये नूतन भवन बना क्यों है। कोई हमें कुछ स्पष्ट रूप से बता ही नहीं रहा है एवं अब इस भवन का श्रृंगार भी हो रहा है। कारण संभवतः ये अर्जुन के लिए हो। अर्जुन 12 वर्षों से घर में नहीं है एवं उनके आने के आनंद में ये नूतन भवन का निर्माण किया गया हो। किंतु हमें तो अर्जुन का पुराना भवन ही पसंद। Thank you.
द्रौपदी, इतने वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई एवं प्रातःकाल सूर्य की किरणों के साथ अर्जुन भी वापस आ जाएंगे। कैसा अनुभव हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि आज की रात्रि हमें निद्रा नहीं आएगी। प्रातःकाल की प्रतीक्षा में जागते हुए ही रात्रि व्यतीत हो जाएगी। आपके अतिरिक्त उल्लपी, आर्या एवं चित्रांगदा उनकी पत्नियां हैं, क्या ये आपको वेदना नहीं देती? ऐसा प्रतीत होता है कि आज की रात्रि हमें निद्रा नहीं आएगी। प्रातःकाल की प्रतीक्षा में जागते हुए ही रात्रि व्यतीत हो जाएगी। राजकुमारी, क्या हम एक प्रश्न कर सकते हैं? अवश्य प्रिय कुहु। राजकुमारी, युवराज अर्जुन वापस आ रहे हैं, इससे अधिक प्रसन्नता की बात कुछ हो ही नहीं सकती। किंतु किंतु इन 12 वर्षों में युवराज अर्जुन 3 विवाह कर चुके हैं। आपके अतिरिक्त उल्लपी, आर्या एवं चित्रांगदा उनकी पत्नियां हैं, क्या ये आपको वेदना नहीं देती? किंतु उलूपी, आर्या एवं चित्रांगदा ये तीनों अर्जुन के साथ नहीं आ रही है, ये अपने अपने राज्य में है। परम प्रिय सखी कुहु, अर्जुन ने यदि 3 विवाह किए तो क्या हुआ? इंद्रप्रस्थ की रानी तो केवल हम हैं। इंद्रप्रस्थ की रानी के अतिरिक्त 5 पांडवों की एकमात्र पत्नी हम हैं। अर्जुन की यहाँ ना तो कोई पटरानी है ना कोई उपपत्नी, यहाँ अर्जुन की पत्नी एवं रानी केवल हम हैं। हम आपकी प्रसन्नता एवं गौरव से अभिभूत है राजकुमारी।
नहीं देवी, अर्जुन को वनवास से सकुशल वापस लाने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। माता, अर्जुन राज्य में प्रवेश कर चुका है। द्रौपदी, उलूपी, आर्या, चित्रांगदा के अतिरिक्त अर्जुन ने एक और विवाह किया है। माता, माता अर्जुन राज्य में प्रवेश कर चुका है। आइए माता, स्वागत के लिए चलते हैं। हाँ हाँ माता, आइए आइए चलते हैं। राजकुमारी, आपके विवाह को 13 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी आप नव नवेली दुल्हन लग रही हैं। कहू होता है, युवराज अर्जुन आ गए।
हृदय तीव्रता से धड़क रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अर्जुन को देखकर मूर्छित हो जाएं। राजकुमारी, अब सत्य में नव नवेली दुल्हन की तरह वार्ता कर रही है। पता नहीं ये मोहिनी कहाँ रह गई। हमने उसे पुष्प माला लाने के लिए कहा था। हमें अर्जुन के स्वागत में प्रस्तुत होना है ना। थी तुम, अर्जुन आ गए हैं। ये दो पुष्पमालाएं किसके लिए? एक माला से तो हम अर्जुन का स्वागत करेंगे एवं दूसरी क्या अर्जुन भी हमें माला पहनाने वाले हैं? द्रौपदी, ये दोनों हार स्वागत में पहनाने के लिए। किंतु दूसरी माला किसके स्वागत के लिए? अर्जुन के लिए एवं दूसरा समझी वासुदेव के स्वागत के लिए। वासुदेव के लिए नहीं, ये वासुदेव की बहन सुभद्रा के लिए। द्रौपदी, उलूपी, आर्या, चित्रांगदा के अतिरिक्त अर्जुन ने एक और विवाह किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया है। एवं वो अपने साथ सुभद्रा को यहाँ लेकर आए। अर्जुन को सुभद्रा से विवाह करना होता, ज्येष्ठभ्राता युधिष्ठिर से परामर्श अवश्य करते। परामर्श अनुमति लेने स्वयं श्री कृष्ण आए थे। नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः।